जी तो नाजरीन, आज ओडीआई की हिस्ट्री में एक ऐसा काम हुआ है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्रिकेट की 146 साल तारीख में ऐसा कभी भी आउट नहीं हुआ। आपने हमेशा बैट्समैन को देखा होगा, वो रन आउट होता है, वो बोल्ड होता है, वो कैच आउट होता है, लेकिन आज हुआ है टाइम आउट। जी आज टाइम आउट भी एक खिलाड़ी आउट हुए हैं। ये थे श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ इनका मैच चल रहा है अभी, और ये अपनी क्रीज पर आए, और क्रीज पे जाहिर सी बात है एक टाइम होता है कि आपने 1 मिनट 40 सेकंड से पहले आपने क्रीज पे आना होता है और आपने कोई बॉल खेलनी होती है। लेकिन ये मेरे ख्याल से क्रीज पे आए और आने के साथ इनके हेलमेट में कुछ मसला था, आई गेस वो रस्सी जो थी वो बन नहीं रही थी, तो वो थोड़ा सा इन्होंने हेलमेट चेंज करवाया, बारवा खिलाड़ी हेलमेट लेके आया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। तो शाकिबुल हसन जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं, उन्होंने एम्पायर से अपील करी कि 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है और इसको आउट करार दिया जाए। तो एम्पायर ने इसको डिसीजन को देखा और आउट करार दे दिया, और लोग बड़े मायूस हो रहे हैं कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। जहां पे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है, सब जानते हैं, वहां पे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को बड़ा डिस्कस किया जाता है, कभी भी कोई ऐसी चीज़ें ऐसी हरकतें होती हैं क्रिकेट में तो लोग बड़ा सवाल करते हैं। अभी भी लोगों का बड़ा सवाल है कि इस तरीके से कैसे आउट करार दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल ये कानून के मुताबिक और ICC क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक आउट है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि शाकिबुल हसन जो कि कैप्टन हैं, उन्होंने क्योंकि अपील की तो वो आउट करा दिया सकता था, और अगर वो अपील नहीं करते और वो इसको जाने देते तो वो खेल सकते थे। और जब जाहिर सी बात है एक बल्लेबाज ऐसे आउट होगा तो फिर उससे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जाके बस गुस्सा ही निकालता है, और ऐसा ही देखा भी गया कि एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो अपने बैट और ग्लव्स पे जो है वो इस ग्राउंड से बाहर जाके जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे। मैथ्यूज जो कि 1 मिनट और 20 सेकंड के अंदर क्रीज पर पहुंच चुके थे के बाद उन्होंने अपना जो उनका हेलमेट है वो थोड़ा सा तैयार नहीं था या वो थोड़ा सा रेडी नहीं थे, तो उसको उन्होंने चेंज करने की कोशिश करी लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। तो बहरहाल उनको आउट करार दे दिया गया, और इस तरीके से श्रीलंका जो बीच में उनको एक दो अर्ली विकेट जो उनको मिल गई थी, तो ये विकेट भी मिल गई एंजेलो मैथ्यूज की, तो वो और थोड़ा सा नीचे चले गए। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका अगर मैथ्यूज खड़े हुए होते तो श्रीलंका और बोर्ड पर ज़्यादा स्कोर लगा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम आपको ICC का रूल बताते चलें, तो ICC का मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है जिसको हम MCC रूल कहते हैं, उसके मुताबिक बल्लेबाज को जो है वो जो बल्लेबाज आउट होकर गया उसके बाद उसने 3 मिनट पर आके क्रीज पे खड़े होकर बॉल कोई ना कोई खेलनी है। अगर उससे पहले उसने नहीं खेली 3 मिनट से पहले, तो अगर आप क्या कहते हैं एम्पायर उसको आउट भी करार दे सकता है। तो ऐसा ही इस मैच में भी हुआ, लेकिन अगर सारी चीज़ें आप एक जगह पे, लेकिन अगर आप इसको रूल ऑफ क्रिकेट अपनी जगह पर है लेकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से अगर इसको देखें तो ये एक इंतहाई गलत इकदाम है, और ऐसे कैप्टन्स को नहीं करना चाहिए। हमने कई बार मैचेस में देखा है कि वर्ल्ड कप में हो या आम बायलेटरल सीरीज हो या कोई भी मुकाबला चल रहा हो, तो लोग क्या कहते हैं क्रिकेट से जो हैं कैप्टन जो हैं ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन शाकिबुल हसन ने यहाँ पे ये चीज़ की जो कि गलत नहीं है, गलत कहीं से भी नहीं है, क्रिकेट का रूल है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और एक जो आपकी इखलाकियात होती है उससे थोड़ा सा ये नीचे होता है। अब गेम है, अब हर एक की स्ट्रेटजी होती है, यू कैन कॉल इट बैड और यू कैन कॉल इट राइट, अब ये आपके ऊपर है, लेकिन ये क्रिकेट में है, ऐसा हो सकता है। फिल वक्त अभी तो एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार दे दिया गया है और वो पवेलियन भी जा चुके हैं, वो जाके बैठ चुके हैं, श्रीलंका की बैटिंग भी तकरीबन ख़त्म हो गई, अब बांग्लादेश बैटिंग करने आ गई है। अब देखना ये है कि इस आउट का क्या बांग्लादेश को फ़ायदा होता है या नहीं। अगर फ़ायदा होता है तो जाहिर सी बात है उनको हर कोई सराहेगा, अगर वो फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर आज जो शाकिबुल हसन के साथ होने वाली है वो आप सभी देखेंगे, और आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये फैसला सही था या गलत था। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।